गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई टॉपिक के साथ. और मैं नीति सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ. सो दिस इज यूपीएससी अड्डा 24/7. और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में कुछ बर्निंग इश्यूज, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी चीजें जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इम्पॉर्टेंट हो सकती है और शायद जिनको आप निगलेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज हम आपके लिए एक से एक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब बढ़कर लेकर आ रहे हैं. सो आप सब हमारे साथ बने रहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले वो है इरावडी डॉल्फिन इज इन डेंजर. मतलब इरावडी डॉल्फिन, डॉल्फिन तो पहले पता है आपको एक बहुत ही समझदार जानवर होता है, एक एक्वेटिक मैमल होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समझबूझ होता है और उसके साथ साथ ये इतनी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं एक डॉल्फिन में. अगर बताएं तो आपको ये अपना आधा ब्रेन बंद करके भी सो सकता है और ये डायरेक्ट कभी भी च्यू नहीं करता, किसी भी खाने को चबाता नहीं है, सीधा निगल जाता है. तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ चलिए आज का ये जो सेशन है शुरू करते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट्स, इरावडी डॉल्फिन्स जो अभी, इरावडी एक नदी है म्यांमार में और वहां पर पाई जाने वाली ये डॉल्फिन्स और इंडिया में पाई जाती हैं, तो इन डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन बहुत जो है तेजी से कम हो रही है. और अभी अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि ये जो डॉल्फिन्स है 8 महीने में 8 डॉल्फिन चिल्का लेक जो भारत में उड़ीसा में स्थापित है एक लेक, उसमें आपका ये जो लेक है इसमें लगातार 8 महीने से 8 डॉल्फिन जो है मृत पाई गई है. उनका रीजन क्या है वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है. वैसे तो रीजन सब मैन मेड ही होते हैं ज्यादातर, बट देखते हैं क्या इसमें कोई नेचुरल रीजन भी पाया गया है. ठीक है, तो चलिए, इरावडी डॉल्फिन जो है अभी फिलहाल हाल फिलहाल में चिल्का लेक में मृत पाई गई है. इसके अलावा इरावडी डॉल्फिन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज का टैग दिया गया है. एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो मतलब है वो क्या होता है एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पीसीज खतरे में है. ठीक है, IUCN जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है जो बताता है एंड जितनी भी इस दुनिया में फ्लोरा फौना स्पीसीज हैं उनका क्या स्टेटस है, अभी वो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाले समय में, तो ये हमको बताता है ये स्टेटस. अब जो इरावडी डॉल्फिन है ये इंडिया के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और IUCN में ये एंडेंजर्ड में आता है. ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करूं तो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में ये 3 रिवर में ज्यादातर ये जो आपका डॉल्फिन है पाया जाता है, इरावडी डॉल्फिन. एक तो इरावडी जो नदी है जो म्यांमार में है, इसके बाद मेहकम जो नदी है इंडोनेशिया बोर्नियो में है. इंडोनेशिया को आप लोकेट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप म्यांमार को लोकेट कर सकते हैं. दिस इज म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश, इसको पहले बर्मा भी कहा जाता था. एंड मेकोंग, मेकोंग जो चाइना में है, सो चाइना में जो मेकोंग नदी है वहां पर ही ये इरावडी नदी, इरावडी जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है. इसके अलावा जो लेगून पॉपुलेशन होती है, लेगून यानी कि जो खारे पानी की जो झीलें होती हैं, आर फाउंड इन चिल्का लेक इन उड़ीसा. उसके साथ साथ जो जो सोंगखला लेक इन सदर्न थाईलैंड, ये दो जगह बेसिकली ज्यादा पॉपुलर है और कुछ लेक्स में भी पाई जाती है जिसमें से भारत की एक चिल्का लेक भी है और थाईलैंड की जो सदर्न सोंगखला लेक भी है. ठीक है, तो इसके साथ साथ ये हमारा जो लोकेशन, हमने इसको लोकेट कर लिया कि इरावडी डॉल्फिन मेनली पाई कहाँ जाती है. अब आते हैं इसके चिल्का लेक के बारे में थोड़ा सा बातें और जान लेते हैं कि चिल्का लेक कहाँ है, क्या है उसे, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है. चिल्का लेक जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेगून है, लेगून मतलब खारे पानी की जो झील होती है और इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये देखिए इसका लोकेशन, ये उड़ीसा में एकदम कोस्टल एरिया के ही पास में है. और उड़ीसा जो स्टेट आता है आपका ईस्टर्न स्टेट है, इसको हम बोलेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर और ये सब सिटीज से आप जानते ही होंगे. उड़ीसा में हॉकी बहुत ज्यादा अच्छे से खेली जाती है. इसके साथ साथ चिल्का लेक ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स है. इसमें माइग्रेटरी बर्ड जो बहुत ही दूर दूर से अलग अलग देशों से जो पक्षी माइग्रेट करके आते हैं यहाँ पे मेट करते हैं और उसके अलावा जो एक उनका काफी ज्यादा उनको अट्रैक्शन का एक प्लेस माना जाता है चिल्का लेक को. तो ये नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज भी यहाँ पे पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसमें से एक आपका इरावडी डॉल्फिन भी है. ठीक है, देन 1981 में चिल्का लेक को इंडिया का पहला वेटलैंड घोषित किया गया रामसर कन्वेंशन के लिए जो 1972 से चल रहा है. और रामसर एक ईरान की एक सिटी का नाम है, उसके बेसिस पे ये कंजर्वेशन साइट्स चलती हैं. तो उनमें से भारत का पहला
जो है रामसर कंजर्वेशन, वो चिल्का लेक ही हो जाएगा। 1981 में इसको बनाया गया था। इसका मेजर अट्रैक्शन है चिल्का लेक का इरावडी डॉल्फिन, उसके साथ साथ यहाँ पर ऑफ सतपड़ा आइलैंड, सतपड़ा आइलैंड इसी चिल्का लेक पर है एक आइलैंड, उसमें पाया जाता है, उसके आसपास ये डॉल्फिन बहुत अच्छे से पाई जाती हैं। द लार्ज नालावना आइलैंड वो भी इसके पास है, जो फॉरेस्ट ऑफ रीड्स कवरिंग अबाउट 16 किलोमीटर इन द लेगून एरिया वाज डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी। इसको 1987 में एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था, जो यहाँ पर नालावना आइलैंड है उसको। ठीक है, तो दो तरह की जो मैंने आइलैंड है उनका नाम आपको बता दिया, एक सतपदा आइलैंड और एक नालावना आइलैंड। तीसरा है कलीजाई, कालीजाई टेम्पल, ये भी इसमें चिल्का लेक में एक जो है आइलैंड पर बेस है, तो ये टेम्पल भी बहुत फेमस है जो चिल्का लेक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि जो जो हमारी इरावडी डॉल्फिन्स है उनको क्या स्टेटस है उनका, और उनके बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इरावडी डॉल्फिन्स जो एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो उनको IUCN के दौरान माना गया है। इसका मतलब ये कि 30% से ज्यादा इरावडी डॉल्फिन्स हर साल, इसकी जो स्पीसीज है उसका 30% रिडक्शन होता जा रहा है। 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉपुलेशंस जो है 3 times रिवर इन चिल्का लेगून जो है मामबाया साउंड और जो फिलिपाइंस में, मतलब इन जगहों पर ये जो डॉल्फिन है इरावडी डॉल्फिन, इन जगह पर इसका जो स्टेटस है वो ऐसे ही एंडेंजर्ड पाया गया है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो बहुत जल्दी हो सकता है। यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि नियर टू थ्रेटेंड, मतलब बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है, राइट। एक्सटिंक्ट होता है कि एकदम खत्म हो चुका है, बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसस इज बीइंग कैरिड आउट यूजिंग हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि कौन सी टेक्निक है जिससे हम डॉल्फिन्स की जो है सेंसस का पता लगाते हैं कि कौन सी नदी में है ये, कौन से जो है आपकी झील में है, कहाँ पर इसका पॉपुलेशन कितना है, तो ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक से। इस टेक्निक में क्या होता है, ये जो मीटर है यहाँ पे पानी में नीचे लगा दिया जाता है, और साउंड की जो वेव्स होती हैं उसके थ्रू ये जो है जो डॉल्फिन है उसको माइक्रोफोन है उसमें लगाया जाता है, और उससे ये पता लगा लेता है कि कौन सी डॉल्फिन है अभी यहाँ से गुजरी है, कितनी पॉपुलेशन है, तो वो उससे पता लगाया जा सकता है। यूज्ड अंडर वाटर फॉर रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड। और आपको मैं बता दूं कि जो अंडर वाटर साउंड की अगर बात करूँ तो जो डॉल्फिन है वो ज्यादातर बहुत ही टॉकेटिव एनिमल उसको माना जाता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा चिट चैट करती हैं एक दूसरे से, और साउंड्स ऐसे निकालती हैं जैसे सीटी मारना, जैसे कि थोड़ा सा और तरह की साउंड निकालना जैसे ची 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 ची, और काफी ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वॉइसेस का बहुत ज्यादा यूज करती हैं, और ये बहुत अच्छे से पहचानती हैं एक दूसरे को, नाम भी देती हैं अपने दोस्तों को, तो ये भी इंसानों से कम नहीं है। और इन्होंने भी बहुत अच्छे से जो है फेसबुक अपना आईडी बना रखा है कि जितने भी इनके फ्रेंड्स उनको अट्रैक्ट करती रहती है अपनी आवाज से। ठीक है, तो चलिए जोक सपाट, तो ये हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक, इस टेक्निक से ये इरावडी डॉल्फिन यहाँ पर अपना जो है जो सेंसेस है वो बता पाती हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं कि क्या है इस कैटेगरी का मतलब, हर एक कैटेगरी का मतलब अब हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो IUCN है, जो हम जो बता रही हूँ आपको कि इसमें एंडेंजर्ड का स्टेटस मिला हुआ है इरावडी डॉल्फिन को, उसमें बाकी स्टेटस का क्या मतलब है। तो IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड जो कैटेगरी है वो इस तरीके से, थ्रेटेंड मतलब जिनको खतरा है, खतरे वाले कौन सी कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट का मतलब है जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस दुनिया में कहीं नहीं पाया जाएगा, और शायद उसको दोबारा से बनाना भी बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल होता है इस जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को, तो इसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट का कि ये कंप्लीटली वाइल्ड लाइफ से जा चुका है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल ये सब स्पीसीज होती हैं, इनका मतलब होता है थ्रेटेंड विद द ग्लोबल एक्सटेंशन, मतलब पूरी दुनिया में इसका एक्सटेंशन हो चुका है और लगभग होने वाला है, अगर ये जो है आपका ऐसे ही चलता रहा तो आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल ये ऐसे स्टेटस है जो ग्लोबली एक्सटिंक्ट होने वाले हैं आने वाले समय। ठीक है, इसके बाद नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड में स्पीसीज क्लोज टू थ्रेटेंड थ्रेशोल्ड एंड दैट वुड बी थ्रेटेंड विदाउट ऑन गोइंग कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड मतलब आने वाले समय में इसको खतरा हो सकता है, तो हमें इसको संभालने की बहुत जरूरत है, ये वो स्पीसीज है। लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न वो स्पीसीज होती हैं जो आपका लोअर रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होता है, मतलब जिनका
विलुप्त होने का कम जोखिम होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम इन पे खतरा होता है, ये वो लीस्ट कंसर्न होती हैं। डेटा डेफिशिएंट मतलब जिनके बारे में हमको ज्यादा डेटा नहीं, जैसे हमारा ये हाइड्रोफोन टेक्निक से हम पता लगा लेते हैं कितनी डॉल्फिन बची हुई हैं, बट कई बार ऐसी भी तकनीक होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी डॉल्फिन्स हैं वो या कोई भी एनिमल है उसके बारे में हम पता ही नहीं लगा सकते। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है उसके लिए डेटा डेफिशिएंट जो कैटेगरी है जिसमें हम पता नहीं लगा सकते कि कितनी स्पीसीज बची हुई हैं, राइट। इसको मैं एक मैप के थ्रू आपको समझाऊंगी, जैसे कि सब स्पीसीज है यहाँ पे, जितनी भी स्पीसीज है उसमें से नॉट इवेल्युएटेड यहाँ पर कि जो जिनको इवेल्युएट ही नहीं किया जा सकता, जिसमें से ऐसी स्पीसीज जिनके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है, ये वो स्पीसीज मानी जाएंगी। इसके बाद इवेल्युएटेड, इवेल्युएटेड का मतलब होता है कि इसमें डेटा डेफिशिएंट यानी कि आपका मैंने बताया कि जिसमें इवेल्युएटेड है बट उनका डेटा हमारे पास कंप्लीटली नहीं है। देन इसके बाद आता है एडिक्वेट, जिनका हमारे पास डेटा होता है, हम डेटा की जो अकॉर्डिंगली स्पीसीज को डिवाइड करेंगे, एक तो जिसमें हम इवेल्युएटेड यानी कि जिनको हम जानते हैं और एक नॉट इवेल्युएटेड यानी कि जिनका एडिक्वेट डेटा हमारे पास है उनके बारे में हम बात करें, ठीक है। इवेल्युएटेड तो इसमें एडिक्वेट जिनका डेटा हमारे पास है उनमें से आती है आपकी लीस्ट कंसर्न, जिन पे ध्यान ही कम दिया जाता है, नियर थ्रेटेंड जो आने वाले समय में उन पे खतरा हो सकता है, वल्नरेबल, देखो ये थ्रेटेंड स्पीसीज में तीन कैटेगरीज आती हैं, थ्रेटेंड इन द सेंस कि आपका यहाँ पर खतरा है इन जो है स्पीसीज को, तो उनमें से वल्नरेबल आती है, वल्नरेबल जो खतरे के निशान पर है, एंडेंजर्ड जिनको बहुत ज्यादा खतरा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एकदम खत्म होने वाली है, राइट, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब जो आपका खत्म हो चुके हैं वाइल्ड में, एक्सटिंक्ट जो कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब सिर्फ जंगल में या वाइल्ड जो एरिया है वहां पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ये पूरी दुनिया से ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पूरी दुनिया से ही खत्म हो चुकी है। सो ये स्टूडेंट इरावडी डॉल्फिन्स का जो स्टेटस जो मैंने बताया कि लगभग हर महीने जो है एक डॉल्फिन की डेथ हो रही है, बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट और हमको भी इसके बारे में सोचना होगा, बिकॉज हर एक स्टेप जरूरी है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो आप हैं या मैं हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और इरावडी डॉल्फिन्स के बारे में आप कौन सा मजेदार फैक्ट जानते हैं ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक